बाजार के जाने माने दिग्गज और पेडिग्री एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर दिलीप भट्ट साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। दिलीप सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पिछला हफ्ता तो बड़ा एक्शन भरा रहा, लाइफ हाई पे लाइफ हाई बने, आज हफ्ते की शुरुआत भले थोड़ी सी ठंडी हुई हो, लेकिन बताएं सर क्या लग रहा है इलेक्शन के बाद, अब बाजार सेटल हो चुके हैं, आगे का आउटलुक बताएं सर। अनिल जी थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरेक्ट। थैंक यू सर जी। अनिल जी देखिए ओवरऑल इसमें कोई दोरा नहीं, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्केट एक बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी स्ट्रांग लग रहा है, तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं हो सकता है, इसमें शायद मुझे लगता है बहुत कंसेंसस है इसमें। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन को देखें तो ऐसा लग रहा है कि वन शुड बी कॉशियस एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म, और वैल्यूएशन चीप नहीं है, बहुत रिचली वैल्यूड है, तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है हमारे हिसाब से। शायद मार्केट अभी और थोड़ा ऊपर जाएगा इन रन अप टू द बजट, तो उसमें थोड़ा बहुत हल्का रहना विल बी अ वेरी कॉशियस अप्रोच अकॉर्डिंग टू अस एंड दैट इज रिक्वायर्ड एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। जरा एक बार बताएं सर डायरेक्शन बाजार का आपको किस तरह का नजर आता है और आगे किस तरह से आप देख रहे हैं अब से लेकर बजट तक की यात्रा। जैसे मैंने कहा कि इन रन अप टू द बजट थोड़ा बहुत कॉशियस रहकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने में मुझे लगता है शायद इट विल बी बेटर, और थोड़ा बहुत लाइट रहे और शायद रन अप टू द बजट और एक तो अच्छा एक सर्ज आ सकता है, और उसी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना मुझे लगता है विल बी प्रूडेंट। लॉन्ग टर्म तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म मार्केट्स थोड़ा बहुत टायर्ड लग रहा है और थोड़ा बहुत ओवर वैल्यू लग रहा है, तो वन शुड बी लिटिल मोर केयरफुल। और हम देख रहे हैं कि FIIs भी थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच इट कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे बाजार में एंटर होने के लिए। क्या कुछ किया जाए इस बाजार में, निवेश करना है किसी को, फ्रेश पैसा लगाना है, कहां मौके हैं? हम देखते हैं कि शायद ओवरऑल हमने अगर देखा कि सेक्टर्स काफी जिस तरह से मार्केट एक रिकॉर्ड लेवल पे है, तो इसमें कोई दोरा नहीं कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर आल्सो एक्सीडिंगली वेल, लेकिन एक फार्मा एक सेक्टर ऐसा लग रहा है जो बहुत दबा हुआ है और अभी तक उसका फुल पोटेंशियल अभी रियलाइज हुआ नहीं है। मुझे लगता है आने वाले दो साल में फार्मा सेक्टर शायद बहुत बहुत एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस बता देगा यहाँ से, और यहाँ पर एक डेफिनेटली वन शुड फोकस ऑन दिस। थोड़ा बहुत कमोडिटीज भी लग रहे हैं कि एक मोमेंटम प्ले दे सकते हैं यहाँ से भी, खास करके स्टील, अगर हम देखें कि स्टील कॉपर और एल्यूमिनियम को देखें तो शायद एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले दे सकते हैं। और जहां तक IT का सवाल है मुझे लगता है शायद वन शुड वेट एंड वॉच, यहाँ पर एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अगर रुपी अप्रिशिएट होता है तो दैट आल्सो विल बी अ फर्दर हेडविंड्स फॉर IT सेक्टर। तो ओवरऑल इंफ्रा में भी लग रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी लग रहा है, और हम ये मानते हैं कि FIIs वापस आएंगे तो शायद प्राइवेट बैंक्स जरूर एक ध्यान देना चाहिए। तो ये हैं कुछ सेक्टर्स और स्पेसेस जहां पर आपको मौके इस समय बाजार में दिखेंगे। दिलीप भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, माफ़ कीजिए थोड़ा आज कट शॉर्ट हो गया समय क्योंकि मोदी जी भी बात कर रहे थे, अगली बार आपसे थोड़ा और डिटेल्स में चर्चा करेंगे, बट बहुत बहुत शुक्रिया सर आज बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।